क्या सोच रहे हैं गाइज, आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में यार। तो दोस्तों भैया, काफ़ी दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद आज मेरा ये व्लॉग आ रहा है। इस बीच में मेरी 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी भैया, बुखार वगैरह आ गया था। तो जब मैं शादी में गया हुआ था ना अपने गाँव की, उसके बाद से भैया वहाँ का शादी का ठंडा वंडा वगैरह, क्योंकि रात तक का थे हम लोग वहाँ पर, तो उसका ठंडा वगैरह लग गया था, जिस वजह से भाई तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बुखार वगैरह आ रखा था। तो इस बीच में मैं उठ भी नहीं पाया और व्लॉग भी नहीं बना पाया। कि सुबह के बज रहे अभी 9:30, इस समय का आप लोग मौसम देखिए आज के दिन भैया, मतलब मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे बादल लगे हुए हैं और बारिश, सुबह से भैया बारिश हो रही है यहाँ पर। अभी मौसम कुछ ऐसा ठंडा है, ख़तरनाक वाला, बढ़िया जैकेट वैकेट पहन रखी है मैंने। तो अभी भैया रिस्क नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा बुखार कम हो रखा तो फिर से चढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने पूरा भैया पैक हो रखा हूँ मैं इस समय में। मेरा गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, गला एकदम बैठा बैठा सा है ना, आप क्लियर आवाज़ आ नहीं रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि अभी 1-2 दिन शायद गले को भी सही होने में लगेगा। वीडियो शुरू कर ही दी है तो आज एक भैया सेकेंड चैलेंज को भी इस व्लॉग में भैया हम लोग पूरा करेंगे। तो जो एक सब्सक्राइबर का आया हुआ था, तो सबसे पहले मैं भैया सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि इस 2-3 दिन में भैया मैंने कुछ नहीं खा रखा, मतलब कुछ खा के नहीं रखा, बहुत ज़्यादा कम, मतलब भैया जितना मैं खाता था उसका मतलब भैया 2%, मतलब 100 में से 2-4% लगभग मैंने भैया खाया होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, तबीयत बुखार ख़राब होती है तो तबीयत भैया खाना खाया नहीं जाता है, इसलिए एनर्जी भैया बहुत, मतलब वीकनेस बहुत कमज़ोरी सी हो रही है। तो अभी पहले सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगा सुबह का, फिर उसके बाद भैया नेक्स्ट चैलेंज को भी भैया इसी वीडियो में पूरा करते हैं। अब यार अभी मैं आ गया हूँ किचन में यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, पेट में तो भैया भूख लगी हुई है बट जो मुंह है, मुंह में एकदम बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाने की इच्छा जैसा मन जैसा नहीं हो रहा है। एक तो होता है ना बुखार में, आप देखो कि भाई बुखार आया रहता है तो बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है, खाने का मन भी नहीं होता है, वो चीज़ तो फिर भी भैया सही रहती है, उस चीज़ को समझते हैं हम। बट भैया अभी मेरे साथ मतलब क्या सीन हो रहा है, पेट में भूख लगी हुई है लेकिन मुंह पे बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है खाने खाने का। तो भैया ये सबसे बड़ी मतलब मेरे को दिक्कत लगती है भैया, जब तबीयत ख़राब होती है ना, अपने आप को भूख लगी रहे और भैया मुंह में स्वाद ना आए और खाने का मन ना करे, मतलब तो अलग ही सीन रहता है ये भी। बट भैया पेट को जब भूख लगी हुई है तो खाना पड़ेगा जैसे तैसे करके, कड़वा होता है ना फिर बुखार में, मतलब रोटी खाओ कि चावल खाओ एकदम कड़वा होता है, तीता बिल्कुल। बारिश तो सुबह से कंटिन्यू चली है गाइस, मेरे को आज अपना दूध भी भैया टीपन में गर्म करना पड़ रहा है, इसमें केतली पता नहीं भैया इन लोगों ने कहाँ गैप कर रखी है। हरी रेल लाल रेल, याद रखना गाइस इसको, क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, आगे को ब्लॉग में चलते चलते ब्लॉग देखते जाओ आप, आपको पता चलेगा। हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल, हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल, मतलब इसको आप याद रखना, ब्लॉग में आगे को आपको पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा मतलब। और सुबह सुबह आपने देखा कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही थी, इस समय में देखिए कितना सुनहरा भैया मौसम हो गया है, देखिए धूप खिल गई है, बादल लगे हुए हैं, अच्छी खासी धूप आ गई है, मतलब जितने बादल थे हटिए, अभी तक का लगभग लगातार इतनी तगड़ी बारिश थी ना, बहुत ख़तरनाक वाली। तो अब जा करके दोस्तों आगे को बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, तो जो नेक्स्ट वाला चैलेंज है भैया उस चैलेंज को करते हैं पूरा, देखते हैं भैया वो हमसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। दरअसल चैलेंज कुछ अटपटिंग टाइप का है दोस्तों, आप भी सुनोगे तो आप भी पता नहीं बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, उसको ओनली फॉर वर्ड बोलना है। तो चैलेंज बताते हैं सबसे पहले आपको, अगला जो नेक्स्ट सेकेंड वाला चैलेंज आ रखा है भैया, वो आ रखा है Beast04 की तरफ से। तो उन्होंने अपना भैया नाम भी नहीं दे रखा है, नाम नहीं लिखा हुआ है, जगह भी नहीं लिखी हुई है, ओनली फॉर उनका जो नाम भैया मेंशन हो रहा है कमेंट पे वो हो रहा है Beast04 करके। तो उनका जो चैलेंज है उन्होंने बोल रखा है, ईश्वर भाई एक चैलेंज आपको मेरी तरफ से, जिसमें कि भैया केवल बोलना है हरी रेल लाल रेल, ये फास्ट करके बोलना है, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल, ये मैंने बोला था गाइस कुछ अजीब टाइप का हो जा रहा है। और बाकी यहाँ नीचे खेत से चाचा भी मुस्कुरा रहे, बोला नहीं जा रहा है ना, हरी रेल लाल रेल, खैर शब्द चो तो फटाफट स्पीड में आंसर और साफ साफ सुनी ना चैन,
हरी रेल मत कलर भाव में या लाल कलर का रेल है या हरी कलर का रेल है तो फटाफट कैंसर हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल साफ शब्द सुनील ना चैन एकदम जिबड़ उजना ने लप भता उजना ने जजमेंट पढ़ देना तो गए जो बहुत टफ पढ़ा एक बार और करता हूँ मैं ट्राई हरी रेल लाल रेल 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 लाल लाल हो जा रहा है भैया नहीं हो रहा यार वाकई में मतलब भैया जिसने भी ये चैलेंज दे रखा है सोच समझ के ही दिया है भाई ने मतलब भैया थोड़ा सा टफ है ये बोलना और अभी शब्द क्या हुआ हरी और लाल क्या ही लगे अभी कह सकती तू हरी रेल लाल रेल तो स्पीड में कौन सा रेली हुआ वो है रिपीट मारन से तो मतलब फटाफट फटाफट हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी हरी रेल लाल बेल हरी रेल लाल बेल लाल बेल या बेल सब देख तो जरा गए यार अम्मा को चला कि अम्मा फिर बेल बोल दे दी क्या रेल कौन सा बेल पलिया भाई बेल दे दी ऐसी हरी रेल लाल रेल 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 लाल रेल लाल रेल लाल रेल लाल रेल हो गया बस नहीं बोला तो कहूँ दो चार शब्द होला वो बुलाई जला तो एक शिष्या सरासर शब्द तबे चैलेंज बहु तबे तो चैलेंज बहु ट्राई करके देख लाल रेल हरी रेल या हरी रेल लाल रेल लेकिन देख हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल धीरे धीरे स्पीड में लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हंसने हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल हरी रे लाले हरी रे लाले देखिए दोस्तों सुबह अलग ही शब्द निकाल दिए हरी ले लाले हरी ले लाले या हरी ले लाले का मारा नाचन लगा अमर हरी यार तो देखिए भैया सुमन बोलने को जा रही थी तो सुमन भी नहीं बोल पा रही है सुमन के जो शब्द निकल वो निकल हरी रे लाले हरी ले लाले तो दोस्तों अम्मा यहाँ पे फिर से ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि अभी मैं फिर से बोलूँगी करके लेकिन अम्मा वो जरा ऑफ कैमरे में था अम्मा बोल लिए हरी रेल लाल टेन हरी रेल लाल तेल हरी रेल लाल टेन लाल तेल क्यों कहा था मैंने हरी रेल लाल रेल कहा था तूने लाल टेन भी बोला अभी कौन है हरी रेल हरी रेल लाल टेन हरी रेल लाल टेन लाल टेन क्यों लाल टेन खत्म हो गई यार लाल टेन जमा नहीं हुआ अब 100 बजे जाकर टाइम आ गया अब इससे भैया चाची से पूछते हैं तो एक बार तू ट्राई करके देखा ना तो ट्राई करके देख मतलब क्या पता हो जाता है जब हरी रेल लाल रेल कहना है नहीं एक बात कहता सही अम्मा फिर भी अम्मा कम से कम अभी भी मतलब भैया ट्राई कर रही है वहाँ पे ये वेरी गुड बिल्कुल अम्मा ने बहुत अच्छी सबसे बड़ी चीज होती है अम्मा ने सही बात बोली लेकिन ये तो भैया पहले ही हार मान गई है इसके बस की नहीं है ना दोस्तों हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल लाल 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 छा छा बस बस चाची से छोटी चाची से भैया नंदी सिंह से हम पूछते हैं कि उससे होता है नहीं होता है एक बार बोल के तो देख मैं स्पीड में मतलब ट्राई करके तो देख ले क्या पता जब तेरी से हो जाता है क्या हरी रेल लाल रेल हाँ रेल रेल ने देख रही बस या हरी कर ले या लाल कर ले हरी रेल लाल रेल कौन सा हरी रेल लाल रेल ज्यादा फटाफट नहीं होता है हरी रेल लाल रेल बस अबे यार नंदी सिंह हमारा सबसे नूब है यार वो यक्का हरी ले हल्दी होता है जैसे लाल ले हल्दी होता है जैसे खाल यक्का शब्द कहने तो नहीं होता है जैसे और देखते हैं कि होता है नहीं होता है हरी रेल लाल रेल वाला चैलेंज देखते हैं चाचा बोलेंगे भैया दोस्तों यहाँ पे
हरी रे लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी रे लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी रे लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी ले लाल लेल हरी ले लाल लेल तो भैया चाचा ने भी ट्राई किया दोस्तों, बट ये वर्ड वाला खतरनाक है ना। देखा दोस्तों भैया चाचा ने भी ट्राई किया तो ये भैया नहीं हो पा रहा है अभी तक का, तो नहीं हो पाया। चाचा भी बोल रहे हरी ले लाले हरी ले लाले में मतलब चाचा भी हली ले लाले में मतलब घूम जा रहे भैया ना मेरे साथ साथ ही। जैसे कि मेरे को भैया फीवर आ रखा था, बुखार आ रखा था दो तीन दिन से, साथ ही में देखिए मम्मी को भी साथ ही में दोस्तों मम्मी को भी भैया बुखार आ रखा है चार पाँच दिन से करीबन। और अभी देखिए आप मम्मी को मतलब देख करके आप वैसे आइडिया आ रहा होगा आपको कि भाई बुखार आ रखा करके, नहीं तो मम्मी कितना नाचती है कितना गाना गाती है कितना मतलब भैया धिरकी जाती है। लेकिन अभी मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ी हुई है क्योंकि एक हफ्ते से बुखार आ रखा मम्मी को। आज कैसा है तेरा बुखार? थोड़ा ठीक है तो आज थोड़ा सा बाकी चलिए थोड़ा सा आप मम्मी यही रखिए तो थोड़ा सा मम्मी को भी मतलब देख लेते कि भाई मम्मी भी मतलब भाई जो ये चैलेंज मिल रखा है वो कर सकती नहीं कर सकती पूरा, यानी कि मम्मी से होता नहीं होता करके चैलेंज आ रखा है। एक ना सब्सक्राइबर का जो चैलेंज वीडियो स्टार्ट की हुई थी उसमें सेकेंड चैलेंज जो आ रखा है हरी रेल लाल रेल कहने का, वो स्पीड में कहना है मतलब समझ रहा है इतनी स्पीड में कहाँ कह सकती हूँ मैं, नहीं कह सकती हूँ ईश्वर रीलो बटन से क्या रील से क्या रील से क्या था रेल रेल कौन से बोल हरे रेल लाल लाल रेल खत्म हो लो ये यो सारे शिष्य कौन से चल मैं कनियो हरी रेल लाल रेल हरी तो मैं कनियो रे हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हां हरी राम रे राम हरे राम रे राम हरी राम रे राम 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 ऐसा कहते हो देव राम का कमेंट रेल बनाऊ हरी रेल लाल रेल ओ देवता देखो रे देव राम और देव राम बुला रहा मगा अब देव राम ने धरला मेरा नाम। तो दोस्तों ये भैया बहुत ज्यादा टप पड़ रहा है, देखिए अभी चाची से नहीं हो पा रहा मम्मी से भी नहीं हो पा रहा किसी से भी। हरी रेल रेल हरी रेल मम्मी 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 और जो छोटी वाली चाची ये दोनों एक से एक ही शब्द में अटक जा रही हैं, जैसी वर्ड की थी वैसी ये भी हरी ले जा न होन बल इनसे नहीं हो पा रहा अभी तक का। दोस्तों हरी रेल लाल रेल में थोड़ा सा मैंने वो दिखा रखा है, कष्ट तो पड़ी रहा है वो क्योंकि चैलेंज बहुत खतरनाक वाला चैलेंज दे रखा है सब्सक्राइबर ने। अति सुंदर किले तो ततो डिप्पर ना जाके फोन आ जावे ततो डाउन ना अरे यार तगे एक जाइला सही गया सेट करने पे। हम लोग रात को मतलब रुके हुए थे ना मतलब शादी में गए थे इस वजह से थोड़ा सा ठंडा वंडा लग गया है। परसों भी हम लोग नाइट में गया हुआ था मैं कहीं मम्मी मम्मी पे भैया उस दिन शादी के दिन ऐसी नाच पड़ी है बिल्कुल ना मतलब डीजे में गाली में ऐसी लाच पड़ी है बिल्कुल लग गया ठंडा ठंडा दिखा रही थी। दोस्तों आपने मम्मी को आपने देखा ही है मम्मी कितनी फनी है करके, मम्मी ने इतना खतरनाक डांस कर दिया वहाँ शिल्पोजी ना शादी में, अब फिर मम्मी को नजर भी लग गई पर और वहाँ का ठंडा भी लग गया खाना पीना भी कम हो गया। अभी आधी रोटी खा रही हूँ अभी एक रोटी खा रही हूँ कभी खा ही नहीं रही हूँ ऐसा ही हो रहा है ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो अभी तक का मम्मी अरे देर लाल देर कहते कहते धिपकी जाती हमारा जो छोटू लाला है वो आजकल इतना बड़ा हो गया अब तू बोल दे भाई देखते हैं ये चैलेंज पूरा करता है जी करता है। हली ले लाल लेल बोल दे हली ले लाल लेल बोल दे गौरव हली ले लाल लेल हली ले लाल लेल कहा अभी भाई कहा। तो जो चैलेंज दिया हुआ था भैया हरी रेल लाल रेल वाला केवल ओनली फॉर वर्ड बोलना था तो वो दरअसल भैया काफ़ी मुश्किल है बोलना। गाइज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी भैया मतलब ट्राई करके देखना, तो ज़रा ट्राई करके आप लोग ट्राई करें
हरी रेल लाल रेल करके स्पीड पकड़े, उसकी स्पीड मतलब स्पीड में बोले कि क्या निकलता है, एकदम उल्टा सुलटा हो जाता है, जीभ लगती है या फिर क्या होता है करके जुबान लगती है। और बाकी ना मैं यहाँ पे नीचे से मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहा हूँ नीचे से यहाँ पे, तो आप लोग उस ईमेल के जरिए मेरे को अपनी वीडियो ना बना करके भेज सकते हैं, तो आपकी वीडियो मैं अपने चैनल पर भैया अपलोड करूँगा भी करूँगा। और अगर जितने लोग मतलब भाई वीडियो भेजेंगे ना मेरे को, उनमें से फिर मैं जब उनको पोस्ट करूँगा अपलोड करूँगा चैनल पर ही, तो जिनमें भैया ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, तो अपनी तरफ से भैया उनको कुछ ना कुछ भैया पक्का पक्का मेरी तरफ से भैया पक्का गिफ्ट करेंगे भैया, हम कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट देंगे उनको, गिव अवे करेंगे किसी मतलब, ये नहीं यार कि बड़े बड़े भैया कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों का गिव अवे करेंगे, जैसे अब यार बड़े क्रिएटर होते हैं कोई फोन्स का करते हैं, कोई बाइक वगैरह का करते हैं, लेकिन इतने बड़े तो हम हैं नहीं, लेकिन छोटी सी कुछ ना किसी ना किसी चीज़ का भैया गिव अवे पक्का करूँगा मैं, जो भी मतलब जिसका सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसलिए आप लोग ईमेल पे भेजें मेरे को। और बाकी यार दोस्तों भाई वीडियो पे मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ ना, ये एक चैलेंजिंग वीडियो ही थी जिसमें केवल ओनली फॉर ये टू वर्ड बोलने थे, बाकी कुछ और व्लॉग भैया इसको खींचता नहीं हूँ मैं, लंबा भी हो जाएगा और एक चैलेंजिंग वीडियो रह भी नहीं जाएगा, एक तो चैलेंजिंग वीडियो है। और इसी के साथ में ना आप लोग भाई वीडियो बना के ईमेल में तो भेजेंगे मेरे को, और साथ में आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भैया और भी कमेंट करें, कमेंट करके लिख करके मेरे को और भी चैलेंज वगैरह दें, तो आपका कौन सा चैलेंज है, आप क्या चैलेंज भैया मेरे से चाहते हैं, तो ज़रूर पूरा करेंगे। अभी भी और भी काफ़ी सारे चैलेंज अभी भी पेंडिंग में है, उनको भी पूरा करेंगे हम। और आप लोग भी नीचे कमेंट में भैया अपना चैलेंज लिखें, आपका चैलेंज ज़रूर पूरा होगा गाइस। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे समाप्त, और आपको मिलता हूँ अगले नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।